नमस्कार दोस्तों, मैं हरदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जुलाई माह जो है अब बीत चुका है और अगस्त माह में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अगस्त माह चल रहा है और ऐसे में आज दरअसल हम लोग जुलाई माह के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे और ये वे सभी प्रश्न हैं जो अभी तक हमने आपको रोजाना अर्थात दैनिक रूप से कराया था। तो आज हम लोग 2 से लेकर के 31 जो है आपका जो जुलाई है वहां तक के करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे। आज हम लोग यहां पर दरअसल व्याख्या नहीं देखेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या अगर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसी में 1.25 घंटा अप्रॉक्स लग जाएगा। ऐसे में हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रश्नों को करेंगे। हाँ, जिस प्रश्न को आपको लगेगा कि भाई मुझे इसकी व्याख्या देखनी चाहिए, ऐसे प्रश्नों में ऊपर डेट पड़ी रहेगी, उस डेट में जाकर के आप वीडियो सेक्शन में क्लिक करिएगा या फिर पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी आपको व्याख्या दी हुई है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वहां पर जाकर के आप अपनी व्याख्या को देख सकते हैं, ठीक, या वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जैसा आपको सही लगेगा, ठीक। तो हम लोग बिना देरी के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपसे बता दूं कि प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई शुरू करिएगा, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है और ऐसे में सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है पूरा अपने टाइम को लगाइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ज्ञान की बातें तो डेली में बताता रहता हूं, आज हम लोग फटाफट करंट अफेयर्स को करेंगे, ठीक है। कब से कब तक? 2 से लेकर के 31 जुलाई 2024 के मध्य में। एक मजबूत बात, अच्छी बात, बेहतरीन बात बता दूं कि ये करंट अफेयर्स न सिर्फ यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए है, बल्कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। चाहे जो मैं दैनिक रूप से कराता हूं वो करंट अफेयर्स या जो आज मैं अभी करा रहा हूं ये वाला करंट, ठीक। तो आपके नॉलेज में जो भी अभ्यर्थी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये मेरा वीडियो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में जो दैनिक करंट अफेयर्स कराता हूं उन वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक। बाकी लाइक करना मत भूलिएगा, ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीधे आते हैं हम लोग 2 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्रश्न लिखा है और ये ऊपर डेट पड़ी है, तो किसी भी प्रश्न की व्याख्या अगर आपको देखनी होगी सीधे तौर पर आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, 2 जुलाई वाले वीडियो से देख लीजिएगा, या फिर जो पीडीएफ फाइल आपको जब से मिलना शुरू हुई है, अगर शायद 2 जुलाई को नहीं थी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ तो अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले से मिलना शुरू हुई आप लोग को, लेकिन तो फिलहाल के लिए आप क्या काम करेंगे कि इसके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है हूल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 जून। अच्छा एक बात और, आप लोग चाहें तो अपने सामने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और देखिए कि क्या आपको ये प्रश्न सारे के सारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अपनी कॉपी उठाइए, प्रश्न लिखिए और फटाफट इस पर टिक लगाइए, जैसे जैसे ऑप्शन दे रखा है वैसे वैसे तुरंत आप टिक लगाते चले जाइएगा, ए बी सी डी क्या है, ठीक है, या सोच के बताइएगा। और हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे करंट अफेयर्स को ताकि जल्दी जल्दी हमारा रिविजन हो जाए, ठीक। तो पहला प्रश्न क्या था, हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1974 अर्थात 1974 में दरअसल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्च आयोग द्वारा किस देश में 1 ट्री फॉर मदर अभियान की शुरुआत की गई? ये प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत की यात्रा पर आई हुई थी और कई सारे समझौता ज्ञापनों पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमने आपसे कहा था भारत बांग्लादेश और तीस्ता नदी जल विवाद, ये दोनों टॉपिक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य रेलवे द्वारा कहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो है आपका झारखंड राज्य से। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी योजना अगर चर्चाओं में रहती है तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो मनोज कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक बात मेरी सुनिएगा कि जितने मैं प्रश्न रोजाना आपको दैनिक रूप से कराता हूं
वो सभी प्रश्न क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि मैं ज्यादा प्रश्नों को आपको नहीं कराता हूं, अननेसेसरी कोई भी लोड आप पर नहीं डालता हूं, और जितने प्रश्न मैं कराता हूं 8 प्रश्न 9 प्रश्न वो सभी के सभी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, और ये कि जिस प्रश्न को मैं कहूं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स ऐसे प्रश्न को आपको एकदम से दिमाग में जो है क्या करना है, फिट कर लेना है, यानी कि घोल के पी जाना है कि भैया ये प्रश्न तो हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर सर ने कहा है। दैट मीन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से समझ लीजिए एक तरीके से आउट प्रकार के होते हैं, अर्थात वो प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। ठीक, ध्यान रखना इस मेरी बात का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स इसकी आने की, इस प्रश्न के आने की संभावना क्या है, लगभग लगभग पूरी पूरी है। चलो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 30 जून को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में, सीए जिसको बोलते हैं, और खूब सारा पैसा भी कमाते हैं। जब आप लोग कल को बिजनेसमैन बन जाओगे या कोई बड़े अधिकारी बन जाओगे, अगर पैसा आपके पास ठीक ठाक रहेगा, नंबर दो वाला नहीं ईमानदारी वाला, तो भी आप लोग क्या रखेंगे, सीए रखेंगे। वैसे सीए ईमानदारी के पैसों पर तो नहीं रख पाओगे क्योंकि इतना सैलरी नहीं होती है। ठीक है, आप आईएएस बन जाइएगा या पीसीएस बन जाइएगा, सैलरी बहुत नॉर्मल होती है, सुविधाएं मिलती हैं आपको, सैलरी कम होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। एनीवेज, तो ये 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में वयोवृद्ध नेता आर संपथन का निधन हो गया है, उनका वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे, तो दरअसल ये श्रीलंका से संबंधित थे, और ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर संपथन के बारे में हमने आपको डिटेल्स में व्याख्या बताई हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में पारित नए कानून के प्रावधान के तहत नाबालिग से बलात्कार करने पर किस सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, मौत की सजा, अर्थात जो है भैया फांसी की सजा दे दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी आपके लिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान में, इसको मैं कर लीजिएगा, मैं अफगानिस्तान में हो रहे सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो भारत की तरफ से दरअसल भाग ले रहे हैं जेपी सिंह, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, टोगो की राजधानी क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट मीन्स लोमे। लोमे क्या है, टोगो की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में SBI का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो चल्ला श्रीनिवासुल सेट्टी को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंड ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे, कब आया था, कब कैसे क्या कैसे चीजें हो रही हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स में पता होगा। स्मार्ट सिटी मिशन दरअसल आपके एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पीसीएस के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसे वर्ष यानी कि मार्च 2025 तक के लिए इसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना प्रमुख हैं कौन से, दिनेश त्रिपाठी जो हैं, यानी कि हाल ही में नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, इसको हैं हटा दीजिएगा, किस देश की यात्रा पर गए हैं, तो ये गए हैं बांग्लादेश की यात्रा पर, बी सॉरी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और मैत्री इंपॉर्टेंट भी है, तो दरअसल ये भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको भी। ठीक, और मैंने कई बार आपको बताया है कि जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं खासकर भारत से संबंधित, वो सारे के सारे युद्धाभ्यास क्या है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्या करिएगा, सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 24वीं बैठक कब आयोजित हो रही है, तो वो आयोजित हो रही है 4 जुलाई को आयोजित हुई थी, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में हमने व्याख्या में आपको विस्तारित रूप से समझाया है। एक बात मैं यहां पर और आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं दैनिक करंट अफेयर जो कराता हूं उसमें जो व्याख्या दी रहती है, जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, वो आपके लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है उससे ज्यादा उसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ते होंगे, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो तो महत्वपूर्ण होते ही होते हैं, साथ साथ में जो उसकी व्याख्या दी गई होती है वो व्याख्या घटनाचक्र की क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी प्रकार से मेरा करंट अफेयर्स भी होता है, यानी कि प्रश्न जो लिखा रहेगा वो तो महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन साथ में जो उसकी व्याख्या दी रहती है
वो क्या रहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा क्या होते हैं, संभावित होते हैं, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अर्थात 4 जुलाई। नाउ नेक्स्ट, ब्राजील की राजधानी है क्या है, वो है आपकी ब्रासिलिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन के जो है परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, यूरोपीय परिषद के, तो वो बने हैं आपके एंटोनिया कौन कोस्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द क्या राइट आंसर, ये यू या फिर इसको इन ब्रैकेट कर दीजिएगा, ठीक है, यूरोपीय परिषद। नाउ नेक्स्ट, अरेबिका कॉफी को जीआई टैग किस वर्ष प्रदान किया गया, बताइए आप लोग फटाफट, तो 2019 में, कब 2019 में। और लास्ट का हमने कैंसर किया, हाँ ठीक है, यानी कि हाल ही में ईयू या फिर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एंटोनिया कोस्टा। और यह प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए बाकी ये हमने आपको बता दिया, हाँ, अरेबिका कॉफी को जीआई टैग कब दिया गया, 2019 में। चलिए नेक्स्ट है, यह भी प्रश्न आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रिमपैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है, तो यह हो रहा है आपका अमेरिका में, और यह बहुत बड़ा दरअसल क्या है, अभ्यास है अपने आप में वैश्विक लेवल का, और यह प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमपैक अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को परमवीर चक्र 21, ये क्वेश्चन क्या है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को परमवीर चक्र 21 वर्ष समर्थन किया गया, ये क्वेश्चन इसको हटाइए, ये क्वेश्चन यहां पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसमें होना चाहिए कि परमवीर चक्र कब प्रदान किया गया था, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसको आप कट करिए, हटाइए, क्वेश्चन नंबर 7 हटा दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई सहज ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो यह किया गया दरअसल एसबीआई के द्वारा, किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा। अच्छा, इस प्रश्न को आप लोग एक बार जो है ना 4 जुलाई वाले में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, तो यह हो जाएगा एसबीआई, यानी कि आपका जो है सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का क्या हो गया है, निधन हो गया है, और उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो दरअसल वो क्या थे, एक फुटबॉलर थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि भारत मंगोलिया। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में लियोन मास्टर खिताब किसने जीता, तो विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य के जीका वायरस के कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर क्या किया गया है, किस राज्य में परामर्श जारी किया गया है, तो वो दरअसल महाराष्ट्र था, जहां पर इसका इन्फेक्शन दरअसल फैल रहा था, ऐसे में जहां वहां पर क्या किया गया, परामर्श जारी किया गया था। नाउ नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2024 में संपूर्णता अभियान की शुरुआत कब से की जा रही है, तो 4 जुलाई से दरअसल नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत की जा रही है, और नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल्स में पता होगा, वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग के आधार जो है जगह पर, और नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया है, सोच के अपने कॉपी में लिखिए कि कौन कौन से उनके अध्यक्ष और कौन उसके उपाध्यक्ष हैं, किसके, नीति आयोग के। चलिए आगे, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो डिक सुफ, ठीक है, डिक सुफू नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ मिलकर किस देश में पॉइंट ऑफ सेल में क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान की है, तो वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सिबेक्स 2 क्या है, तो ये है एक क्या विस्फोटक, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका जो है सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि वे अभ्यर्थी जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे उनको दरअसल क्या किया जाएगा, वजीफा उनको दिया जाएगा, पैसा उनको दिया जाएगा। किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय मंत्री जो किशन रेड्डी हैं आप, ठीक है, ये भी हमने व्याख्या में सुकराया था, डिटेल्स में इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा, कब का करंट अफेयर्स है, यह है आपका 6 जुलाई का। नेक्स्ट है,
अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 3 जुलाई को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन को सफल बनाने हेतु किसके द्वारा भारत को $1.5 बिलियन ऋण देने की योजना मतलब घोषणा की गई है? तो वो की गई है आपके विश्व बैंक द्वारा, अर्थात वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, और विश्व बैंक के बारे में हमने डिटेलिंग में आपको कई बार कराया है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, और विश्व बैंक दरअसल आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक, इसको आप लोग वर्ल्ड बैंक को भी रेडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका बी, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है? 6 जुलाई को मनाया जा रहा है, कब? वर्ष 2024 में। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या है? पलमायरा है, चर्चाओं में रहा है तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, तो पलमायरा इसको याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का इसको हटा दीजिएगा, का 17वां सत्र कहां पर आयोजित हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना शंघाई सहयोग संगठन का? तो वो बना आपका बेलारूस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंड इट्स आल्सो क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, आल्सो पीसीएन एंड एज वेल एज आरओआरओ। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया डॉक्टर बी एन गंगाधर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गंगाधर याद रखिएगा, शक्तिमान में जो आपके गंगाधर थे उन्हीं से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं, बीच में हट गए थे, दोबारा से इनको नियुक्त कर दिया गया है, याद रखिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट, आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कब से कब तक आयोजित की होगी? तो वो आपकी 21 से लेकर के 27 जुलाई ऑलरेडी ये जो कि हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रूस क्या, हाल ही में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा सत्र जुलाई में आयोजित हो रहा है? तो वो हो रहा है आयोजित आपका 22वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके एनके सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पचातुरुत्तु परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपकी केरल से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती मनाई जाती है, सभी लोगों को पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कब मनाई जाती है, 6 जुलाई को, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में डिटेल्स में आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, इनके बारे में एक नारा भी प्रसिद्ध है, आप लोगों को वो भी पता होगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर धारा 370 को लेकर के इनके जो है प्रयास काफी ज्यादा रहे हैं। ठीक है, और एक फिर बाद में क्या हुआ, वो बलिदान हो गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली सचिव स्तर की बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर पेजेस्कियान, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? विद्युत रंजन सारंगी, और ध्यान रखिएगा हाल फिलहाल में जितने भी स्टेट हैं वहां के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति, और प्लस ठीक है न्यायाधीश के साथ साथ में जो अभी हाल ही में राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, कौन से, कौन, राज्यपाल, इनके बारे में भी हमने डिटेल्स में आपको कराया हुआ है, तो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राज्यपाल वाला क्वेश्चन शायद मैंने अगस्त माह में कराया, 1 अगस्त को शायद कराया था, तो देख लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, कि हाल फिलहाल में कहां कहां के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बजाज ने, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नाउ नेक्स्ट, LIC के द्वारा अभी हाल ही में किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मोहंती को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है, और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइए, या अपनी कॉपी नोट डाउन करिए कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, व्याख्या में मैंने आपको यह समझाया भी था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है। नाउ नेक्स्ट, भारत
ने रक्षा उत्पादन के मूल्य के मामले में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो यह हो जाएगा 16.8 अर्थात 16.8% तक की वृद्धि की है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात वीरता पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अवरक्त खादानों को बाल श्रम से मुक्त किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, कृष्ण राजसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात कावेरी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई है? तो वही है 14%, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, उदयगिरी गुफा अवस्थित है कहां पर है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात उड़ीसा में है, याद रखिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसे केरल के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद मुश्ताक। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मात्र नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदारी बोर्ड की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो वो संपन्न हुई आपकी स्विट्जरलैंड में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द क्या राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, टैली वैली वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? यह है आपका सी ऑप्शन यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दरअसल टैली वैली वन्य जीव अभयारण्य आवासित है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है इसको। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों के कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो वो है आपका मॉस्को में। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में बेरिल तूफान कहां पर आया? तो वो आया आपका अमेरिका में, और इसके बारे में हमने बेरिल तूफान के बारे में भी हमने आपको डिटेल्स में समझाया था, और हमने आपको इसके अलावा चक्रवातों के बारे में कहा था कि आप लोग चक्रवात को पढ़ लीजिएगा, और चक्रवात को भी हमने आपको डिटेल्स में समझाया भी था कि दरअसल चक्रवात क्या होते हैं और किस प्रकार से आते हैं ये, ठीक है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है, ये आपको बताना है, और ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिला खनिज प्रतिष्ठान गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वो किया गया आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में स्वदेशी एंटी रेडिएशन मेडिसाइन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट, क्या रुद्रम फर्स्ट, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है डीआरडीओ के बारे में, और यह डीआरडीओ इसरो नासा इसकी स्थापना वर्ष और बाकी डिटेल्स आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है महाराष्ट्र को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में जारी इंडिया 100 2024, अर्थात इंडिया 100 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष वैल्यू वाला ब्रांड कौन बन गया है? तो वो बन गया आपका टाटा समूह, याद रखिएगा, और टाटा अक्सर चर्चाओं में रहता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? महाराष्ट्र की नहीं, की कर लीजिएगा, महाराष्ट्र की, और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुजाता सैनी। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा आपका गौतम गंभीर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द क्या राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नाम नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अलीसा माद्राजो, यानी कि यह वाला प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कौन, अलीसा माद्राजो, ठीक। FATF, और FATF के बारे में भी हमने आपको डिटेल्स में बताया था, और हमने आपसे कहा था कि इस वर्ष FATF कई जगहों पर क्या रहा है,
चर्चाओं में रहा है, ऐसे में FATF आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की टीम को किसने स्पॉन्सर किया, यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह हो जाएगा अडानी ग्रुप, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए लगभग लगभग संभावित है कि यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। वधावन बंदरगाह किस राज्य में बनेगा, तो यह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात महाराष्ट्र में बनेगा, ध्यान रखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो शिव शंकरी जी को प्रदान किया गया है, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अच्छा पुरस्कार की अगर बात हुई है तो जितने भी पुरस्कार होते हैं उनसे कम से कम एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है, तो जितने भी पुरस्कार वाले प्रश्न होंगे उन सभी को आप लोग जो है इकट्ठा नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हाल फिलहाल में किन को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट है। जुलाई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने विदेशी दौरे के दौरान किस देश के द्वारा उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा रूस। और रूस और भारत का संबंध जो है एक लंबे अरसे से क्या है, मजबूत रहा है, लेकिन इसमें एक त्रिकोणीय संबंध बनता है जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, कौन कौन सा त्रिकोणीय संबंध, अमेरिका रूस और भारत, अमेरिका और रूस की नहीं पटती है जबकि भारत की अमेरिका और रूस के साथ दोनों के साथ बनती है, और ऐसे में कई बार जो है कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है और वहां पर जो है कई बार अमेरिका और उसमें थोड़ा सा भारत में तनातनी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी चूंकि भारत की कूटनीतिक जो चाल है, जो उसकी डिप्लोमेसी है भारत की, वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, और हाल फिलहाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही मजबूती के साथ उभरा है और आगे जो है उसके संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, बहुत ही अच्छे हुए हैं, और भारत जो है एक वैश्विक शक्ति के रूप में दरअसल सामने उभर के आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया गया है, तो पीवी सिंधु, ध्यान से सुन लीजिएगा, यह प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ओलंपिक खेलों के बारे में मैंने कई सारे प्रश्न आपको कराए हैं जहां पर सारे के सारे फैक्ट आपको कराए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था आपका थाईलैंड, और हमने आपसे कहा था बिम्स्टेक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बिम्स्टेक टॉपिक भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं नोट्स बनाया होगा बिम्स्टेक पे तो बना लीजिएगा आज से। ठीक है, ध्यान से सुन लेना इसको, मेरी बात को इग्नोर मत करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी कहां पर है, चर्चाओं में रहा है ये, तो दरअसल कहां पर है, इटली में, और जो ज्वालामुखी है, ठीक है, तो ज्वालामुखी से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि ज्वालामुखी कौन कौन से, जो ज्वालामुखी वो कहां कहां पाए जाते हैं, अर्थात जो आपके सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, ठीक है, उनकी अवस्थिति क्या है, और जो जागृत ज्वालामुखी हैं वो कहां कहां पर हैं, तो भारत और वैश्विक लेवल पर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। जीएस में ज्योग्राफी वाले सेक्शन से ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। हाल ही में घर घर सोलर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो उत्तर प्रदेश, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें बाकी सब्सिडी वगैरह आपको दी जाती है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जो किया गया है, तो वो किया गया है ताइवान के साथ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, क्या कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में किस देश को अपने पांचवें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो वो हो गया आपका बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत और रूस द्वारा किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने पर सहमति बनी है, तो वो बनी है 2030 तक बनी है, 2024 चल रहा है, 6 साल के बाद दरअसल इनका टारगेट $100 अरब तक का है, किसका जो है, भारत और रूस का लक्ष्य। नेक्स्ट, हाल ही में मित्र वन पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो वो की है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक क्या है, इंपॉर्टेंट है पिच ब्लैक, तो ये प्रति 2 वर्ष पर दरअसल
आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिए, यानी कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक कितने, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है, इसको लिख लीजिएगा कितने वर्षों पर, कितने वर्षों पर, तो ये दो वर्ष पर, प्रति दो वर्ष पर, ठीक है। चलिए, यानी कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक है, आप चाहें तो इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख दीजिएगा बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक कितने वर्षों पर आयोजित होता है, दोनों पॉइंट सही है, चार जैसा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रति दो वर्ष पर ये इसका आयोजन किया जाता है, किसका, पिच ब्लैक का। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यहां से, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि, क्या जनसंख्या जो वृद्धि है, क्या जनसंख्या वृद्धि, ये आपके एग्जाम में कई बार क्या है पूछा गया है, मेंस में भी और आपके एसए में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ढाका में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में अपर्णा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो दरअसल वो क्या थी, अभिनेत्री थी, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। जितने भी निधन वगैरह हुए होते हैं हाल फिलहाल में और जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि जो भी लोग एक्सपायर हो गए हों सबके निधन की लिस्ट बना लो, नहीं, ऐसा नहीं है कि आस पड़ोस जो लोग होंगे उनके भी बनाने लग जाओ कि इंपॉर्टेंट है यार निधन हो गया है, जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं के आपको बनाना है। ये नहीं कि किसी के रिलेशन में कोई निधन हो गया तो उसको भी नोट डाउन कर लो, कहीं और कोई शहर में कोई निधन हो गया किसी का तो उसको नोट डाउन कर लो, ऐसा नहीं है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्हीं व्यक्तियों के बारे में आपको जो है नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो, आप लोग सोच रहे हो यार क्या क्या नोट डाउन करना, कितना पढ़ना है, तो देखो ऐसा है कि लक्ष्य बड़ा है, सरकारी नौकरी का लक्ष्य है जहां पर आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, एक अच्छी सैलरी मिलती है, एक मान सम्मान मिलता है, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी का अपना एक दबदबा है, ठीक है, और ये दबदबा हमेशा बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये दबदबा अगर नहीं रहता तो इतनी डिमांड नहीं होती, ठीक है, और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आजकल जानते हो शादी भी नहीं हो पाती, भाई साहब बड़ा मुश्किल है आजकल, बहुत मुश्किल है, लड़कियां लोग भी नहीं करती हैं शादी, और बाकी तो ठीक है, और जो रहती भी वो भी छोड़ के चली जाती हैं, सब लोग नहीं, तुम भी छोड़ते हो वो भी छोड़ती है, दोनों लोग, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि पढ़ाई अपनी जगह पर है और रिश्ता अपनी जगह पर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रिश्ते को चलाने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, और रिश्ते को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है विश्वास की, अपनेपन की, ये सबसे बड़ा जो है क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ में हर उस रिश्ते को भी अहमियत दीजिए जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपके साथ आपके सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा जीवन में सबसे अगर कुछ मुश्किल चीज है, आप नौकरी लग जाएगी, पैसा मिल जाएगा आपको, आप बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे, लेकिन अगर आपके साथ एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, अगर एक अच्छा इंसान नहीं है, तो उस पैसे का, उस सारी दौलत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए रिश्तों की कदर करना, कभी किसी का साथ यूं रास्ते में इसलिए ना छोड़ देना कि उसको नौकरी नहीं लगी है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं मिली है, उसको पैसा नहीं मिला है, ये काम मत करिएगा। जीवन अनमोल है, रिश्ता बहुत अच्छा होता है, उसको बचा के रखिएगा। मानव है आप, जानवर नहीं है, इसलिए जो है इन बातों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग इसको बखूबी समझते होंगे, ठीक है, तो आप लोग इस बातों का थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, ये शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक समय के बाद आपको अहमियत रिश्ते की समझ में आएगी, ठीक है, कि क्या होता है रिश्ता, ठीक। तो पढ़िए तो जरूर, करंट रेडी करिए, सब रेडी करिए, नौकरी लीजिए, लेकिन रिश्ते की अहमियत को बचा के रखना, ठीक। चलो आगे है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न। तो यह हो गया आपका 25 जून, और यह क्यों किया गया था, क्योंकि तभी जो है क्या किया गया था, आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ मंजारू कार्यक्रम का संबंध किससे है, शिक्षा से है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था के द्वारा चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, तो वो हो गया आपका WHO, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो वो हो गई है UNDESA। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कराई थी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, और इनके बारे में आपको डिटेल्स में ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में
किस राज्य को बागवानी श्रेणी के अंतर्गत कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात नागालैंड। नाउ नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? करेगा नहीं, करेंगे कर लीजिएगा, थोड़ा सम्मानित शब्द है, ठीक है। ये हो जाएगा गगन नारंग, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका लखनऊ में, अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन आपके सीएम जो है अर्थात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है? तो वो है आपका देश फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा तंबाकू उपयोग समाप्त दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब से क्या किया गया, नवाजा गया है? तो वो हो गया आपका सी ऑप्शन अर्थात प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है। यह फैक्ट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में बेसिकली यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2023-24 में दालों के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है? तो वो देखी गई 36% तक की वृद्धि अर्थात 36% की ग्रोथ हुई है, और यह प्रश्न यूपी फसल का है तो आपके लिए क्या हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, और चूंकि जो है ये अपने आप में एक तरीके से क्या उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये हो चुने गए हैं केपी शर्मा ओली, और ये ऑलरेडी पहले थे, मतलब इस एक कार्यकाल के पहले। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का वह कौन सा शहर है जिसने मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा कौन सा शहर है? तो वो आपका हो जाएगा पालिताना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर किस राज्य से बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो बनी है आपका कहां से, बिहार राज्य से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को तिल के बीजों के निर्यात के लिए प्रक्रिया का मसौदा जारी किया गया है? तो अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान द्वारा यह दावा किया गया है कि योग से गठिया रोग पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सकती है? तो वो हो गया आपका एम्स दिल्ली, और योग के बारे में हमने आपको समझाया था कि अगर आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, बोर हो रहे हो, कुछ ऐसे दिक्कत हो, स्वास्थ्य ना सही हो, तो योग और प्राणायाम को अपने दैनिक जो है दिनचर्या में शामिल कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो नहीं करते होंगे योग तो करिएगा, और आप लोग अक्सर कई बार क्या बोलते हैं, आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं योगा, तो भाई साहब गलत मत बोला करिए, योगा दरअसल इंग्लिश में लिखा जाता है YOGA, लेकिन वो दरअसल हिंदी में योग होता है। तो आप लोग भारतीय हैं, कम से कम अपने अपने चीजों का आप लोग जो है क्या करिए, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है आप वो ना करें, आप सिंपल सा शब्द योग का इस्तेमाल करिए, योगा योगा मत बोलिएगा, ठीक है, योगा नहीं होता है। जैसे भरत की स्पेलिंग जानते होंगे, तो अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो भरत की स्पेलिंग के हिसाब से भरता हो जाएगा, जबकि उसको बोला क्या जाता है, भरत बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है योग के लिए भी आपको योग शब्द इस्तेमाल करना है बजाय योगा के, ठीक है। तो आप लोग आज से ध्यान रखिएगा, योगा नहीं इस्तेमाल करना है, योग इस्तेमाल करना है, ठीक है। ग्रामेटली योगा शब्द बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोग उसका चौपटाबाज कर देते हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल के आसपास कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य है, और ये अपने आप में क्या है, महाराष्ट्र सरकार की क्या है, अच्छी पहल है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2024 में सोशल साइट्स एक्स पर सबसे अधिक फॉलोवर किसके हो गए हैं? तो वो आपके देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और अब एक्स बोला जाता है ट्विटर को, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत दक्षिण कोरिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बैठक जुलाई 2024 में कब से हो रही है? स्पेस दीजिएगा इसमें, कब से हो रही है? तो वो हो रही है 17 जुलाई से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में सुरीनाम के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सुभाष गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या राइट आंसर। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर के द्वारा एक दिन में 11 लाख से ऊपर पौधारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है? तो वो हो गया आपका इंदौर, और इंदौर के बारे में एक जानकारी आपको ऑलरेडी पता होगी कि
ही हमेशा स्वच्छता जो आपका सर्वेक्षण होता है उसमें इंदौर हमेशा प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है भाई साहब, विक्रम मिस्त्री, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस आदिवासी समूह द्वारा एक अलग आदिवासी राज्य की मांग की जा रही है? भील, और यह दरअसल एक अलग जो है राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं तीन चार स्टेट को मिला करके। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, और हमने आपसे यह भी बताया था कि जितने भी आदिवासी समूह हैं उन पर कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दरअसल इस आदिवासी का निवास कहां पर है, तो सारे के सारे आप इसको आदिवासी वाला यानी कि जातियां जनजातियां जो होती हैं आदिवासी जो समूह होते हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून 2024 में कितना हो गया है? तो वो हो गया आपका 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस दिन ठाढ़े बोरी वाली टनल जो है ना ट्विन टनल परियोजना का आधारशिला रखी गई है? तो वो रखी गई है 13 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्मरणिक थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहां पर किया जाएगा? कहां पर, ठीक है, ये दरअसल किया जाएगा आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर क्या बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विंग्स टू आवर होप पुस्तक निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है? तो यह हो जाएगा आपका जो आपके राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने उस राज्य के मुख्यमंत्री और दो अन्य नेताओं के वहां के राज्यपाल के खिलाफ बयान देने पर क्या कर दी, रोक लगा दी थी? तो वो था आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। आपको पता होगा कि दरअसल क्या था कि वहां पर जो है वहां के उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ममता बनर्जी की सरकार जहां पर चल रही है, कहां पर चल रही है पता होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात फरीदाबाद में इसका क्या किया गया है उद्घाटन किया गया है, ध्यान से सुनिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 20 अंक से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कर दिया है आपका 7%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण भारत के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। आपको पता होगा एक तरफ जो है आपके ऊपर मेट्रो चलेगी, फिर नीचे जो है उसके आपके नॉर्मल परिवहन चलेंगे, बस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेब्स का आयोजन हो रहा है? यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो वो हो रहा है आपका गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? पोल कागामे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में हरित ईंधन के इस्तेमाल से जून माह में प्राकृतिक गैस की खपत में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है? तो वो हुई आपकी 7%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है आपका भाई साहब बी, यानी कि नई दिल्ली में। चलो आगे बढ़ते हैं, गेवरा और कुसुम मुंडा खदानें कहां पर अवस्थित हैं? ये छत्तीसगढ़ में है, याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है आपका मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और ये भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ जारी आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया? तो वो है आपका बांग्लादेश, और वहां पर दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इस पर जो टिप्पणी भी की थी कि भाई साहब ऐसा करो कि यहां पर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उद्योगों कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए
50% तथा गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। ये क्या है? कर्नाटक। और ये आरक्षण वाला मुद्दा आजकल बड़ा विवादों में रहता है। कहीं पर आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने पर हाईकोर्ट रोक लगा देता है, तो कहीं पर सेम वही काम किसी अन्य राज्य सरकार में किया जाता है। ये आरक्षण का जो मुद्दा है बेसिकली बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, और इन पर जो है आपको पकड़ इस पर आरक्षण पर बनानी मजबूत है। आरक्षण पर कई बार प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए आरक्षण क्यों जरूरी है, आरक्षण क्यों नहीं जरूरी है, आरक्षण क्या ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि में रही है क्या रही है, किन कारणों से इस तरीके से जो है इस पर टिक्का टिप्पणी की जाती रही है, ये सारे बिंदु जो है रिजर्वेशन पे आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। और ICAR नेट भी होता है, नेट का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम। नेट का एग्जाम कई प्रकार का होता है, एक तो यूजीसी नेट होता है, एक ICAR का नेट एग्जाम होता है, एक CSIR नेट होता है। ये सारे के सारे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, R21 वैक्सीन का संबंध किससे है? तो वो है आपका मलेरिया से। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे जो है निर्वाचित किया गया है? तो वो है आपकी उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है? तो वो आपका 2030 तक का। ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, याद रख से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है, और वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, किस नाम से है? तो वो है आपका -1933 अर्थात -1933 के नाम से जारी किया गया इसको। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंगल पांडे की जयंती कब मनाई जाती है? 19 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लड़का भाऊ नामक योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह भी आराम जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लड़का भाऊ, ठीक है, लड़कों के लिए कुछ काम किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में अस्मिता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और हमने आपसे कहा था यूजीसी की स्थापना और क्या इसके कार्य है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हालांकि हमने फैक्चुअल डेटा आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में समझाया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी का निधन किस दिन हुआ है? तो वो हो गया उनका निधन 20 जुलाई को, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ नेता न्यूगेन फू ट्रॉन्ग का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से सम्मानित है? तो वो है वियतनाम से सम्मानित, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो वो है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और हमने आपसे केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में कहा था कि ये प्रश्न आप लोग मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयार कर लीजिएगा, जो आपका मेंस में पेपर 6 और 7 है, वहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा कितने देशों को ICC डेवलपमेंट अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? तो ये 6 देश इसमें शामिल थे, कौन कौन से देश थे देख लीजिएगा व्याख्या में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है आपका 4th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है ए अर्थात शिखर धवन को, इसको भी आप लोग क्या करिएगा याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2019 में, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया आपका गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट,
हाल ही में 35 यानी कि 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति जो है लॉन्च करने वाला देश कौन सा, यानी कि 35 देशों में दरअसल क्या किया गया, वीजा मुक्त जो है योजना को लॉन्च किया गया है, तो यह हो गया है बेलारूस, अर्थात सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख हथियार कहां से लाया गया है, तो वो लाया गया है लंदन से, और वो हथियार आपको पता ही होगा कि ऐसे बना हुआ था, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ था, कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये हमने आपसे कहा था कि ये क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है ये प्रश्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर, क्या हाल ही में कहां पर उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई है, तो वो की गई है लखनऊ में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र उद्घाटन किया गया है, कोलकाता में किया गया है, और हमने आपसे भूस्खलन के बारे में कहा था, इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्या आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, और अभी हाल ही में कहां पर लैंडस्लाइड आया है, ये प्रश्न हमने आपको परसों कराया था, जिसमें करीब करीब 135 लोगों से ज्यादा लोग एक्सपायर कर गए हैं, वो बताइए कहां पर आया है, दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर हाल ही में भूस्खलन अर्थात लैंडस्लाइड्स आई हुई है। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, यानी किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली का निधन हो गया, उनका जन्म हुआ था कब, यह हुआ था आपका बी अर्थात बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार के द्वारा पोर्टल यू विन लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है, बच्चों में टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, लाओस के उत्तर में स्थित कौन सा देश है, चीन है, लाओस के बारे में हमने आपसे कहा था, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, ब्राजील के द्वारा, यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद GEP लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा, यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, मनोलो मार्केज, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने किसे ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक, क्या ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है, तो अभिनव बिंद्रा को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में दरअसल कितने गुने की वृद्धि हुई, तो 2.5 गुने की वृद्धि हुई है, और यह अपने आप में भारत के लिए क्या है, एक अच्छी खबर है कि 370 हटने के बाद इतने पर्यटक दरअसल वहां पर गए हैं, इतनी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा किस बीमारी की दवा पर सीमा शुल्क को हटा लिया गया है, तो कैंसर की दवा, और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक की समय जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, तो वो मुकेश हैं, काफी फेमस थे ये, उनके उपलक्ष्य में ही ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किस शुद्ध तत्व की खोज की है, सल्फर तत्व की खोज की है, क्या सल्फर की, और यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी राजधानी को बदलने का प्रस्ताव किया गया है, तो यह लाइबेरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल कितने औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है सी अर्थात 12। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के शुरुआत की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो वो की गई है वित्त मंत्री आपकी कौन है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो क्रिस्टन मिशेल बने हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पारित बजट 2024-25 के अंतर्गत मुद्रा योजना की ऋण की सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है, यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, 20 लाख कर दिया गया है, और यह इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड इट्स इंपॉर्टेंट। पहले सीमा कितनी थी मुद्रा योजना की, 10 लाख थी, अब 10 और बढ़ा दिया गया, तो टोटल कितना हो गया, 20 लाख।
नेक्स्ट है, हाल ही में पारित बजट कुल कितने समूहों पर आधारित है? तो चार समूहों पर आधारित है, ठीक है, और चार विषयों पर भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक पी चंद्रशेखरन का निधन हो गया, उनका निधन किस दिन हुआ? 25 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वो रख दिया गया है आपका गणतंत्र मंडपम, मंडप। इसका भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, टॉपिक ये। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेश्चन 2024 के आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका 27 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त, अर्थात ए वाला राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, ठीक है, टैक्स के बारे में आप लोग पता होगा, टैक्स आप लोग जमा कीजिएगा बाद में जब पैसा कमाएंगे खूब तब। नेक्स्ट है, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो यह हो गया आपका तीन, यानी कि पहले है शायद चीन, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है आपका भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और लिथियम का प्रयोग क्या क्या है, कहां कहां पर है, आपको पता होगा सही से। नेक्स्ट है, कारगिल दिवस विजय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत का 5वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है आइजोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में मोइदम्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, इसका संबंध किससे है? असम से है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ लीजिए, एक तरीके से आएगी, आने की संभावना पूरी है इसकी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन स्ट्रोवो का जो है ये कहां पर चलाई गई है? तो ये चलाई गई है आपकी ऑप्शन नंबर सी बी, अर्थात चीन में। दरअसल इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है और इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में बताया था। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कब हुआ था? तो वो होता 1906 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो वो हुआ आपका ब्रिटेन की संसद में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक अदालत का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 29 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? बी, अर्थात 2006 में। अच्छा, आप लोगों को कहां जहां भी डाउट होगा ना व्याख्या उसकी देख लीजिएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि व्याख्या डिटेल्स में दी है, क्योंकि आज हम रिविजन कर रहे हैं तो मतलब फटाफट ज्यादा स्पीड के साथ कर रहे हैं तो ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है जयंत चौधरी जी के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 46वें विश्व विरासत समिति की सत्र में विश्व विरासत सूची में कुल कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है? तो वो क्या है, 7 स्थलों को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार जरा इसको देख लीजिएगा, चलो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन देकर सम्मानित किया गया? तो वो हैं आपके शाहरुख खान, और यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक 2024 के अंतर्गत शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? वो बन गई आपकी मनु भाकर। यह प्रश्न भी एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि लगभग लगभग तय मानिए कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देख करके आप कह सकते हैं कि भाई साहब ये तो आएगा ही आएगा, तो ये प्रश्न कुछ उसी प्रकार से है। और बाकी जो प्रश्न हमने आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, पूरी तरीके से आने के लिए क्या है, संभावित हैं। चलिए यह मान के चलिए कि श्योर है एक तरीके से। नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, 29 जुलाई बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर, सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973, अर्थात 1973 में। और जितने प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, प्रोजेक्ट हाथी हो गया,
ये सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हंगुल और अन्य दो दो तीन जो प्रोजेक्ट और हैं उनके बारे में भी आप लोग आज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट की अगर आपके पास बुक होगी या घटना चक्र में भी सारे पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। चलिए आरओआर वाले पीसीएस वाले से अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि लूसेंट जो आपके जीएस की आती है उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। फैक्चुअल डेटा आपका वहां से बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। कौन सी बुक मैंने बोला? लूसेंट, ठीक है। लूसेंट में दो आती है, एक जीएस की आती है जिसमें सारे विषय होते हैं, एक आती है साइंस वाली जिसमें तीनों विषय होते हैं साइंस वाले, यानी कि जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है, ठीक है। तो जो लूसेंट आपकी जीएस की आती है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और साइंस के लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं या फिर घटना चक्र या लूसेंट, दोनों में से जो बेहतर आपको लगेगी, या दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मेट्रो रेल निगम को ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया आपको दिल्ली मेट्रो को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? वो किया गया है आपको संतोष कुमार गंगवार को। और इसी प्रश्न में हमने आपको दरअसल डिटेल्स में किस किस राज्य में अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं हमने आपको लिस्ट बताई थी पूरी। तो ये आप 31 जुलाई के जो पीडीएफ में जाइएगा या वीडियो में जाइएगा, वहां पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा इकट्ठे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका श्रीलंका ने। इस बार जो है भारत हार गया है, श्रीलंका ने भारत को हराकर इसको अपने नाम किया इस खिताब को। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो है ये 28 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है सीता प्रसाद पांडे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द सॉरी ये ए इज द राइट आंसर, माता प्रसाद पांडे, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा फिनिश हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज। इसको आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, जहां पर आपको डाउट्स होगा, कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, आप लोग तुरंत जो है वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको उस दिन का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, वहां पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी कोई समस्या अगर होती है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो आपकी क्लासेस पीसीएस की चल रही हैं उसको आप लोग प्लीज देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीसीएस की कर रहे होंगे, या किसी और एग्जाम को कर रहे होंगे, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि पीसीएस को टारगेट करके किया गया है, क्योंकि पीसीएस के पहले ही क्लास वो वाइंड अप हो जाएंगी। अगर आपका टारगेट आरओ का होगा तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आरओ आपका दिसंबर में है, तो इधर आप क्लास देख लीजिएगा सारी, बाकी उधर जो है लास्ट में नवंबर और बाकी जो दिसंबर बचेगा उसमें आप उसका रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी क्लासेस आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको वहां पर कराया जाएगा। तो प्लीज आप लोग सारे जो है टारगेट वीडियोस को देखिएगा, जो कि यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करके बनाया गया है, जिसमें आरओ वाले अभ्यर्थियों के लिए भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम सिलेबस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी डेली मॉर्निंग में मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है सुबह सुबह, उसको आप लोग करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।